सन्यासी जो होता है परम पुरुषार्थी होता है। तुम यदि पुरुषार्थ कहता है तो अपने लिए काम करता है, सन्यासी कोई अपना नहीं, ना अपना माँ है, ना बाप है, ना बच्चा है, ना बालक पुत्र, कोई अपना नहीं। जो उसका अपना है गुरु, वह किसी समय पाते झटका दे देगा, नदी किनारे ले जाएगा टहलते टहलते टहलते। गुरु जानता है, गुरु जी टहला रहे हैं नदी किनारे, देखे कि जहाँ गहरा पानी है खट से धक्का दे देगा। तू सोचा भी नहीं होगा गहरे पानी में जाकर डूबने लगेगा, कहा कि क्या कर दे धोखा, कहा गुरु तो धोखा ही करता है और क्या करेगा, अवसर पाते धक्का देता है। अब जाकर उस पानी में छटपटाएगा ना, हाथ पैर मारेगा, वो देखकर मुस्कुराएगा, हाथ पैर मारेगा छटपटाएगा, और जब छटपटाएगा हाथ पर मारेगा तुम्हारा जीवन जो है दाव पर लग जाएगा, तो हो सकता है तू तैरना सीख जाए, अब जो है धक्का मारे तो तुम दूसरे को ही बचाने में तत्पर हो जाएगा, छलांग लगा देगा, गुरु काम यही। इसलिए जो सन्यासी हमारे पहले से भी हैं, अभी लोग देख रहा है, अभी नए बने हैं, इसे समझ लो तुम लोग, हम सुरक्षा प्रदान करने वाले नहीं, परम असुरक्षा में तुम आ गया, तुम्हारी माँ भी देख रही कि तो बड़ा गड़बड़ हो गया हमारा बच्चा परम असुरक्षा में आ गया है। शेर का जो बच्चा जन्म लेता है तो जानता है कि नहीं, शेर का बच्चा कभी अपने गोद नहीं खिलाता है, कभी देखा है शेर का बच्चा गोद में लिए हुए, सियार अपने बच्चे को गोद में लेता है पिलाता है। शेर बच्चा जन्म देती है शेरनी, और वह शेर के पीछे लग जाता है हुंकार करना बोले, जब थोड़ा 6 महीने का होता है तो वह शेर जो है उसको भगा देता है, भाग यहाँ से असुरक्षा में जाओ। जब तक तू असुरक्षा में रह नहीं रहेगा तो शेर नहीं बनेगा, सियार बना रहे, सिंघन के नहीं ले हड़े साधु न चले जमा, हंसन के नहीं पातिया और लालन के नहीं बोलिया। इसलिए तुम लोग अभी कम उम्र के हो, असुरक्षा में रहने के लिए तैयार करना, रहना।